ऐसी कर दी। हॉट चॉकलेट भी की नहीं भी क्या? नहीं हॉट चॉकलेट भी था। बहन उसकी चुगली करे बस चाबी दे दो बाकी उसकी ड्यूटी। डॉक्टर ने कॉल की थी एंड लाइक ओके जस्ट यूज टू ड्रॉप्स। डॉक्टर ने मीनू और बेबी नू आज मेरा मूड बहुत बहुत ज्यादा ऑफ है ऐसी सोचा पार्टी रात दिया वो इस टॉपिक पे है कि मुझे डॉग चाहिए। सो गाइस आज आफ्टर सो लॉन्ग मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ सृष्टि से। दो तीन दिन से ऐसी तबीयत ही चल रही है बट टुडे आई डिसाइड कि नहीं मुझे जाना है क्योंकि दो तीन दिन से डिले हो रहा था। और सेकेंडली मैंने ये दिवाली के लिए आई गेस दिवाली वाले ब्लॉग में मैंशन किया था तब से सृष्टि का मैंने ये लेके रखा हुआ है और अभी तक मैं उससे मिल नहीं पाई थी। आई गो विद दिस रेड कलर याद करा दिया से मोड़ने लगी। तुम सच्ची भूल जाते हो प्रेगनेंसी में सारे कहते हैं कि भूल जाता है इंसान। सो गाइस हम लोग नेल्स करा के ना अब आ गए थे कॉफी पीने के लिए। मैं कॉफी नहीं पी मैंने हॉट चॉकलेट ऐसे वाला हाँ इस टाइम दोनों सुडू सुडू कर रहे थे। मैं कह रही यार मेरा मन कर रहा है कॉफी पीने का शी वाज लाइक हॉट चॉकलेट पी ले और हम लोग मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये पहले मैं ज्यादा फूडी हूं। हम कितने देर बाद मिले मतलब इट्स थिंग कुछ लोगों से मिलना ना ऐसे थेरेपी सा लगता ना। हमने सारा दिन कुछ नहीं मतलब किया प्रोडक्टिव ऐसे सच नहीं किया बट ऐसे कितना मजा किया और टाइम तो कहाँ गया। तेरे अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। हाँ मेरे अभी भी कंप्लीट है मेरे कंप्लीट है। साड़ी गल्ला ही नहीं मुक दिया तमाशे बातें ये खा लेते हैं ये पी लेते हैं और चला बहन उसकी चुगली करे हफ्ता हो गया चुगली। सीरियसली हमने बड़ों की है पर हम बता नहीं सकते उनके हमने किस किस की सिर्फ इसकी चुगली में हामी भरी है। आई टेल यू मेरे दोस्त सारे पता करते हैं लोग ना मुझे शुरू कर देते हैं और ये मतलब वो बचपन में टॉय नहीं था बस एक बार चाबी दे दो बाकी उसकी ड्यूटी तो आवर वर्क इज लाइक चाबी देना एंड बाकी। मेरा भाई भी समझाता कोई मुझे कुछ कहता फूक में नहीं आना कहता तो बच्ची है बात मैं मुझे साथ में शुरू हो जाती है। ये मुझे कह गया यार ये देखी इसकी फोटो मैं बस ले हाँ सही कह रही है फिर तो दैट्स द ओनली रीजन मैं चाहती हूँ कि रोस्टिंग चैनल शुरू करें क्योंकि ये इतना गंदा रोस्ट करते गाइस यू कांट इवन इमेजिन। मतलब तुमने अभी तक पूरे YouTube पे ऐसा रोस्ट नहीं देखा होगा जो मैंने लाइव देखा है बट ये करती नहीं है सो जस्ट पुश हर सो दैट की स्टार्ट करे एंड बड़ा अच्छा रोस्टिंग चैनल बनेगा। मैं रियल लाइफ में ना बड़े लोगों को मिलती हूँ उन्होंने आगे मुझे पत्थर मारने उनको मेरा ठिकाना भी पता है। सो इट्स अनदर डे एंड मेरी कल रात से इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है मुझे ना डाउट हो रहा है कि मुझे इतना मुश्किल सांस आ रहा होगा बेबी कैसे सांस ले रहा होगा। मैं तो अपने डॉक्टर को फोन करके बेबी का सांस आ रहा होगा और जसमीत को आज एक बहुत इमरजेंसी गुरदासपुर काम है सो हमें अब गुरदासपुर जाना है सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेते गए हुए हैं। सो मच मच नीडेड। सो तुम मेरे लिए हॉट चॉकलेट लाओगे या नहीं? कमेंट करके दे सकते हो प्रेगनेंसी शॉर्ट चॉकलेट लेना। डॉक्टर ने कहा है सिर्फ कॉफी नहीं लेनी कैफीन नहीं लेना। तू तो भी इन्हों तक इनम नोड़ नहीं है कितने की बोल दो मैडम मैं हॉट चॉकलेट ही पी लो। थैंक यू। ठीक है दही एक सिप कितना लगा पीता नहीं मैं देखो तुसी कभी हॉट चॉकलेट पी की नहीं मैं क्या नहीं हॉट चॉकलेट पीता डबल शॉट दा नहीं पीता हॉट चॉकलेट मैंने बरिस्ता ज्यादा अच्छा लगा नशे करनी है तो थे। मेरा सिगरेट नहीं पींदे ते जिथे सिगरेट कोई पी रहे उथे जाना नहीं चाहिए था। सो जे तुसी कॉफी नहीं पींदे ते कॉफी जिथे पी रहे उथे जाना नहीं चाहिए था। सो गाइस कल घर वापस आके बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हुई मतलब ओट्रेविन अगर पता होए तो अलाउ ही नहीं होंगी प्रेगनेंसी च बट मेरा नक् इन्ना के बंद कि मैंने सह लेना इन्ना औखा हो रहा है। सो डॉक्टर ने कॉल की एंड शी वाज लाइक ओके जस्ट यूज टू ड्रॉप्स सो दैट की मैनू इदा मैं जसमीत फोर्स कर रही थी मैं मैंने कित ऑक्सीजन दबान लै जो बट नाओ आई फील गुड
अज अं घर एंड शामी शायद एक बर्थडे पार्टी पर जाना पेगा मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे आ शी सो क्लोज टू मी सो आई हैव टू गो बट हूँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हाँ दैट इज़ सो मैनी ऑफ यूज लाइक तुम ब्लॉक कराया करो बट यू नो दैट अगर मैं अच्छा फील कर दी हाँ ओनली फिर मेरी हिम्मत होंगी कि या मैं ब्लॉक करा बिकॉज इधर मैं मरी हुआ तो उधर मेरे तो ब्लॉग नहीं होंगे मेरी जो पुरानी ऑडियंस है समझ सकती है एंड इस पैक्ड कंडीशन से तो ओह माय गॉड सो या हम मैं वॉक कर रही हूँ तो डॉक्टर ने मीनू और बेबी नू एवरी डे 30 मिनट वॉक कंपलसरी कही है सो मैं क्या वही कंप्लीट कर ला उन्नी चेर अच्छा साढ़े ना थोड़ा ज्यादा गड़बड़ काम हो असी सोचा पार्टी रात दी है और पार्टी सी शाम के 4 बजे की 7 बजे और हूँ असी जा रहे हैं ऑलमोस्ट मन लगता और इस जगह से साड़ी इंगेजमेंट हुई सी गई जिते हम असी आए हैं लाइक इत्थे आवरे हॉल नेक्स्ट डे एंड आज मेरा मूड बहुत बहुत ज़्यादा ऑफ है मैं 1.5 आवर की ड्राइव करके आई हूँ अच्छी खासी मतलब आई फील ना सो रिलैक्स ऐसे ड्राइव करने के बाद किस किस के साथ होता है सब और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप व्लॉग मत करा करो ड्राइव करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो एक बार यह सेट कर लिया तो हो गया एंड मैं ड्राइव एक हाथ से ही करती हूँ वैसे भी अगर मैं व्लॉग नहीं भी कर रही होती हूँ सो थोड़ी देर के लिए जब व्हेन आई नो कि यहाँ ट्रैफिक नहीं है तब वो ठीक है और सेकेंडली कल भी हमें एक फंक्शन है कल शाम को तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ पहले तो 2 दिन से बीमार थी तो कैप डाल के रखी ऑल द टाइम इसलिए मेरे बाल बड़े चंपू है सो हेड वॉश करा लूँ और मे बी हाइड्रा करवा लूँ क्योंकि गुरदासपुर में हूँ तो ऑफकोर्स न्यू लुक से जाके करवा के आती हूँ आई एम बैक इन सिटी एक्चुअली मैं ना सिटी से बाहर गई हुई थी क्योंकि भाई सिटी इतनी छोटी है भाई यहाँ पे ड्राइव एक तो पॉसिबल ही नहीं है तो आई नीड हाईवे और मुझे होता जस्ट 40 मिनट्स की स्पीड पे गाड़ी हो और हल्का सा म्यूजिक हो मूड क्यों ऑफ था वो मैं नहीं बता सकती बट बस ऑफ था एंड दिस इज द ओनली वे जो मैं अपना मूड सही कर सकती हूँ मैं चाइनीज बन गई हूँ इस टाइम अच्छा मुझे एक चीज़ बताना जैसे अब मैं ना फ़ोन से रिकॉर्ड करी तो फ़ोन में ये होता है कि मैं डेली व्लॉग कर सकती हूँ टू लेट मी नो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो कि मैं फ़ोन से ही व्लॉग कर लिया करूँ ऑल द टाइम तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 फ़ोन ही रख लूँ रहता देन कैमरा बिकॉज कैमरा से या तो कैमरा से लैपटॉप में शिफ्ट फिर मुझे प्रॉब्लम आती है कि मुझे सब कुछ उठा के चलना पड़ता है कैमरा लैपटॉप माइक स्पीकर ट्राइपॉड फ़ोन आई गेस बेटर है बताना मुझे फिर डेली व्लॉग भी कर सकती हूँ चल इधर चीजी ओहो हो सो डन विद हेड वॉश ऑलमोस्ट रात हो गई है बाय बाय हाँ जी ओके बाय आई एम बैक होम एंड मेरी और जसमीत की ऑलरेडी एज आई मेंशन की मेरा मूड ऑफ था कुछ बहस चल रही है उस बहस में एक बहस बताती हूँ वो इस टॉपिक पे है कि मुझे डॉग चाहिए आई नो आप में से बहुत कहेंगे जीजी के बाद ये बट मैंने अब अपना माइंडसेट इतना ज़्यादा बनाया है कि आई रियली वांट अ डॉग एक तो बेबी के बाद अब लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है इतना हम घूमने नहीं वाले इतना हम ट्रेवल नहीं करेंगे कहीं पर इतना कहीं आए जाएंगे नहीं तो दिस द राइट टाइम और मुझे एक शुरू से था कि जब मेरा बेबी हो उससे पहले डॉग हो वो डॉग भी एटलीस्ट 5-6 मंथ्स का हो सो दैट वो एक बेबी और डॉग जोन जो होता है ना जिनके पास होगा वो रिलेट कर पाएंगे जिनके पास नहीं होगा वो ये कहेगा नहीं बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगा आई नो उसमें भी ऑप्शन होता है जिस ब्रीड के बाल ज़्यादा नहीं उतरते तो इस केस में मेरा ये है कि आई नो हमारा फ्लैट भी छोटा है वहाँ पे हम रख नहीं सकते बट मैं उस साइड जाना चाहती जो साइज़ छोटे डॉग्स के टॉय पुडल हो गया चिवावा हो गया फियांशू की रत्न लिए अभी चिवावा यू कैन से कि मैं ऑलरेडी किसी स्टेप्स पे चल रही थी और उन्होंने डॉग लिया बोल के मैं एक स्टेप और चढ़ गई कि नाउ आई वॉन्ट तो बस ये भी एक गरारी मैंने डाली है क्योंकि अब हमारी एनिवर्सरी आ रही है मेरा बर्थडे आ रहा है तो
मुझे अब वो एक सांझा गिफ्ट ही मिल जाए तो मेरे लिए बहुत होगा, बिकॉज मुझे ऐसे शुरू से चाहिए था, मतलब मेरे मेरी डिलीवरी से पहले आए वो डॉग। पता नहीं ये पूरा होगा नहीं होगा, अभी एक अपने दोस्त को मिलने गए हैं, कोई बाहर आया है, आई डोंट नो, बट आई रियली वांट डॉग।